वो बोलने लगी कि उस्मान क्या बात है आज आप इतने अपसेट लग रहे हैं। मैं कहा यार छोड़ दो, आप लोगों ने हमारे साथ क्या करना है, कभी भी आपने हमारी मदद नहीं की है। अच्छा 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 मुझे मालूम पड़ गया, चलो आज साइड पे, आज साइड पे लेके चले जाते हैं, इंजेक्शन करा देते हैं। मेरे वाले सारों सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ सारे जने बहुत ज़्यादा कैंट होंगे। जी अज की वीडियो आप देख लगे हैं, उस वीडियो दे वेचे एक मुंडा भी, वह मुंडा थोड़ा नशेड़ी टाइप का, ड्रग एडिक्टेड है, एंड कहते हैं कि वह रैप बहुत सोहना करता है। एंड देखते हैं कि अज की वीडियो दे उदी की स्टोरी है, एंड किस तरह आपां इस वीडियो के जरिए कुछ चंगा मैसेज ज चंगा टैलेंट देखने मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान साहब क्या कर मैं अभी तो फिलहाल सड़क पे मांगता हूँ, टैलेंट माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है, सड़क पे मांगता हूँ और पंजाब के गानों में भी गाने भी कर लेता हूँ, कलाम भी अच्छा वाला पढ़ लेता हूँ। पहले मुझे ये बताए नशा तो नहीं करते हैं? क्या करता हूँ मैं, मैडम से झूठ नहीं बोलते? हाँ झूठ तो बोलना ही नहीं है ना हमने। मुझे ये बताए कि किस एज में शुरू ये नशा के गाना? 17 साल। कितने साल नशा के सोना यार? तकरीबन 23 का हूँ। 23? 23 साल के हैं अब आप तो। पहली बार आपने कब नशा किया था 17 साल की उम्र में किया? अच्छा 6 साल हो गए नशा कर रहे हो। लम्स में जाता था अपने दोस्तों के साथ। बड़ा स्माइल करके दसन दिया यार, हद हो गई है तेरी। ठीक है, बड़ा वधिया काम करन दिया भरा। जो दोस्त थे ना वो थोड़े से अमीर थे, चौधरी थे, तो वो मुझे शुगर लगाने के लिए वहाँ पर लेके जाते थे, तो वहाँ पर शुगर लगाते थे वो। लड़कियों ने भी ड्रग्स पीना, ठीक है, पिया क्या पिया? पहले तो मैंने स्टफ पिया या जो जिसे कहते हैं चर्स, ठीक है। उसके बाद हल्के 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 आगे आगे जाते 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 लड़कियों ने मुझे ये हम तो यही कहते हैं कि कोई किसी को नशे पे नहीं लगाता, इंसान खुद लगता है, क्योंकि अपना मन करेगा तो नशे पे हम लगेंगे। गल्लां तो बढ़िया सियाणियां भरावा दे रही हैं। वालिदैन हैं उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और जो वालिदैन बेचारे दुखी होते हैं उनको पता चल जाए किस तरीके से अपने बच्चों का जो है ख्याल रखा जा सकता है। अल्लाह ताला सबको आपको भी हिम्मत दे के आप ये छोड़ दें इंशाल्लाह, और अपने टैलेंट का जो है भरपूर मुजाहरा करें। अच्छा उसके बाद वो लड़कियों ने फिर जो स्टाफ के बाद, मैं एक दिन बहुत परेशान था घर से ना, झगड़ा करके निकला। तानिया है लड़की, ठीक है, वो नाम भी ले रहा है भाई, DIG है, ठीक है, उसकी लड़की है वो। वहाँ पर ना वहाँ पर स्टूडेंटों की जितने भी लड़के हैं वहाँ पर उनकी हेड है, तो मैं उनके पास चले गया। वो बोलने लगी कि उस्मान क्या बात है आज आप इतने अपसेट लग रहे हैं। मैं कहा यार छोड़ दो, आप लोगों ने हमारे साथ क्या करना है, कभी भी आपने हमारी मदद नहीं की है। अच्छा 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 मुझे मालूम पड़ गया, चलो आज साइड पर, साइड पे लेके चले जाते हैं, इंजेक्शन करा देते हैं। ये किस चीज़ का होता है इंजेक्शन? ड्रग्स का होता क्या है उसमें? ये एलर्जी का टीका नहीं है वो डाला जाता है, ठीक है, और ड्रग्स डाला जाता है, ठीक है, वो डाल के मिक्स करके तो वो लगाते हैं, ठीक है। उसने मुझे वो लगाया, मैं नशे में हो गया। फिर उसका ऐसे 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 चिस्का पड़ता गया, क्योंकि मैं खराब होता गया। माँ बाप ने मुझे बहुत डांटा मारा, मैं घर छोड़ के भाग जाता था। फिर मेरे वालिद वालदों ने, ठीक है, मेरे दोस्तों को बोला कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ, उसे बोलो कि ये हमारी बेइज्जती ना वहाँ पर करवाए, हमारी इंसल्ट ना करवाए, रिश्ते पूरी समझ है सब चीज़ दी, तो वो हमारे बुला बुला बोलते हैं। तो घर आके मेरे हमारे सामने मरे, तो वो हमारे सामने मरे, ठीक है। मेरी वालदा ने कहा कि तुम हमारे सामने बैठ के, दिल करता है आप छोड़ने को? हाँ कोशिश करें छोड़ दें। दिल से मेरा वादा है कि मैंने 11 तारीख, चलो शुक्र है, 11 माह को और 13 तारीख को, ठीक है, वसीम विक्की जो है, ठीक है, उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया है, मेरे रैप लिखे हैं, ठीक है। मैं शालीमार थिएटर पे गया था, ठीक है, वहाँ पर मेरे रैप हैं। मेरा जितने भी हो सके मैं अच्छे से करूंगा। ये भूमियो जो है उससे भी मैसेज दिया वो, हम वाहेगुरु करे भाई तेरा काम चल जाए, तू नशा छोड़ दे और इंशाल्लाह कैपिटल की स्क्रीन से और आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग हो जाए। पर आपने उससे पहले हमसे वादा करना है कि फिर छोड़ना है, ये नहीं कि बाद में आपके वेल डन। मैं मेरा दिल से वादा है, क्योंकि मेरे सिर से माँ बाप का साया उठ गया है, तो अभी मैं नशा करूंगा तो मुझे कोई संभालने वाला नहीं, ठीक है। हाँ पक्का वादा, जो सुनाना है आप सुनाए नाजरीन को, आराम से कौन से सुनाए आप खुद ही बताए, कौन सी जो लगता है आपको सबसे अच्छा बना दें।
अच्छा, स्पोंटेनियस बनाएगा अरे मुझे मैंगो पल लाओ, मेरे दोस्तों को पल लाओ, मेरे दिन रात पीता हूँ, मुझे सिकल लाओ, मेरी जिंदगी बेकार है, नशे में तैयार है, मैंने नशा करके देखो जब हुआ हूँ बेकार। ये मेरे दोस्त है, अरे आप मेरे स्टार है, आज मैंने पूछा नहीं कैसी मेरी कार है। आजा गर्ल्स, तुझे मैं बताऊंगा, तेरे गेस्ट टाइम में एप्पल चलाऊंगा, तेरे ही कॉलेज में जाके मेरे दाखिला दिलाऊंगा, वहां पर मेरे जब आएंगे एग्जाम, तेरे मेरे प्यार की ना होगा ना टाइम, टाइम मैंने किया हरे कोई ना डिसाइड है, देख तेरे पास रेफ राइट है, मैंने तुझे अपना बना के कब छोड़ा, ओ हो होगी मेरे कोलो तू नहीं दूर, मैं भी मजबूर, क्या सही है गुरूर, मेरा सी दिल करके चूर चूर, मैं कहता तेनू छड़ देना, मैं गरीब सी हो मेरा नहीं कसूर, दिल दिया गल्ला मैं नहीं तेनू करके सुनावा, अपने कोलो नहीं हुन दूर ना नहीं जावा, माड़े घर दा मैं मुंडा हैगा नहीं लाहौरी, गल करदा नहीं करदा मैं चोरी, बोले तू बोले मैं गरीब हैगा, मैं ना यारी ना लावी, आई एम सॉरी, कहंदी नी कैंट है, मैं बेके लाए बेबी रह दी इन द एंड है, ओके बाय। खुद ही बनाए हैं, खुद ही बनाया है, कितने अरसे में बनाया, मैं जब मर्जी बना लेता हूँ, नजदीक तो आओ, आपका नाम है उस्मान, निकाल लेते हो मिनट मेरे जान, क्या है पहचान, दुनिया आपके नाम से डरती है, क्यों हुई परेशान, तेरी क्या कहानी है, रिया तू है शदादा नाल तेरे रानी है, तेरे दिल वाली पींदा तू शराब नाले, पींदा तू पानी है, हैं ओ जै मुकदी मकावा, दूर नाल जावा, लोड़ दियाँ गड्डिया च सैल मैं करावा, कुड़ियां दे हुन सिर्ट कट करके दिखाई, एनी यूनिवर्सिटी च दाखला ना कराई, अजकल जो कुड़ियां लेंदियां ने पट्टा, दूर ना तू जा मेरे कोल आ, एक गल मैं सिखावांगा, उन्दे विच तू भी हुन डेट करा दे, मुकदी मका दे, आजा मेरे नाल मेरे यार मेरे उस्मान, आई लव यू बोला मैं तो खोल देनी है दुकान, उत्ते भी चल देना रैप दिन रात, लोग करते ने अटैक, मुकदर फाइटस करके दिखाता, बहुमियों ने बुलाता, बहुमियों केड़े मुल्क च बैठा है, मैं तेन हूँ सुनाना है, मैं पंजाब उधर आ जाए रैप में भी गाना है, मेरे रैप दे वेख तो लोग करते ने ट्रैक, आड़ा भी स्टीच चलता है रैप, कुड़िया के धोखिया के मैं आंदा, मैंने केंद्र न माखा, लैलपुर मैं तो मारिया डाका, हूँ चुप कर जा बहुमियों काका, आजा आजा तेन लभना मचाना, मुकदी मका, जे रैप तेन गाने नहीं आते तो मेरे को सिख के ले जा, ये this is right where you are in the flatto, I'm into baby is cabby in the flatto, yaka sikana romi shatter over the sky, Rami is the kobu you must catch, dirty is the bobby the Mary Savet, baby 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 the in the end, all rap the in the end, okay why in the end आप देख सकते हैं कि ये बंदा वाकई talented है और इसकी वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सो दैट कि अपना ये प्रॉमिस पूरा कर सके और जल्दी जो है इस नशे की लत से निकलकर और एक उभरते हुए टैलेंट के तौर पर आए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चलें जी, एक जाते जाते एक पंजाबी भी सुनी लेते हैं। चलें दस बैग बिलो रब दी अदा यार, सारे तो भी यार दे ही गूंगे जज्बात, तरक्की बस की है कि मिस्टर समान, मिस्टर समान, गड्डी काले रंग दी, जट्टी जान मंग दी, जितो जितो लंघ दी, मेरा दिल मंग दी, गड्डी काले रंग दी, जट्टी जान मंग दी, जितो जितो लंघ दी, मेरा दिल मंग दी, तू तो नहीं सोनिया नी रूप की कहानी होएगी, अख दी नी रूप जी शहानी होएगी, शाइनिंग दा मूड जरा करदा नहीं ना, हुन मैनू गल तेरी कीवें कर दी, ऐसी परफॉर्मेंस तो लेट्स गो, गड्डी काले रंग दी, जट्टी जान मंग दी, जितो जितो लंघ दी, मेरा दिल मंग दी, और मुंडिया की ढाणी बिच डोर बली है, हो गया नी धैन नी सकोर बली है, तेरे नाल नैन जचना नहीं चाहता ना, वेखना नहीं चाहता मैं नी होर बली है, बड़ी दुनिया ने तू नी ठग लिता है, मैनू दिल देने नका तो संघ दी, वाई जस कैट, गड्डी काले रंग दी, जट्टी जान मंग दी, जितो जितो लंघ दी, मेरा दिल मंग दी, इडीडेट्स स्कैन ओवे दिल की दुकान में ना तुझे मैं तलाऊंगा, आजा मेरे पास, दिल मेरा ले जा, मेरे दिल उत्ते कर तू नहीं राज, मैं तो नशा छटना ही चाहना, तू ना कर बकवास, नशे की मलक जो तो कट के नहीं आना है नी बार, तू मेरा करेंगे इंतजार क्यों, गड्डी मेरी है काले रंग की कार, गड्डी काले रंग दी, जट्टी जान मंग दी, जितो जितो लंग दी, मेरा दिल मंग दी, ओके सो गाइस ये सी आई देख वीडियो।
ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਟੇਨੀਅਸ ਵੀ ਉਹ ਰੈਪ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਟੇਨੀਅਸ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ 6-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਾ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੜੇ ਘਰ ਪੱਟਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਪੱਟਤੇ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਤੇ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਓ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਨਾੜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਕ ਜਮਾਓ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।